तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। हेलो गाइस, तो आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, बड़ी आसानी से ऐसे स्टेट वीडियो बनाने सीखेंगे जो कि कैनवा कैसे एडिटिंग करते हैं, इसके बारे में पूरी से बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं जो कि इस चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सेम प्रोसेस में वीडियो बनाना सिखाऊंगा, जो कि गाना के हिसाब से एडिट भी करना सिखाऊंगा, जो कि आपको मैं लाइव भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा। चलते हैं काइनमास्टर में, काइनमास्टर में चलकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपको आ जाना है काइनमास्टर में। अगर गाइस आपको काइनमास्टर डाउनलोड नहीं करना आता है तो क्या करना गाइस, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको फिर इसके बाद क्या करना, तो आपको प्लस का आइकन क्लिक कर लेना है। प्लस का आइकन क्लिक करने के बाद आपको 916 का फ्रेम चूज़ कर लेना है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कर लेना है। तो गाइस आप वो फोटो इमेज चुन लेना है जिसकी आप इंस्टेंट वीडियो बनाना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। तो मैं वो फोटो सिलेक्ट करके दे सकता हूँ। तो गाइस आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे आपके फोटो की बना सकते हो, अदर किसी के भी बना सकते हो। जो कि मैं एक फोटो मेरा लगाऊंगा, जो कि गाना जहाँ से चेंज होता है, मैं जो कि आपको लाइव भी दिखाऊंगा गाना चला के, तो जहाँ से अपना गाना चेंज होता है, बाकी हिसाब से अपन इस वीडियो को एडिट करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा अपनी वीडियो कुछ अच्छी लगे, ठीक ना। तो ऐसे आपको फोटो सिलेक्ट कर लेना आपका मनपसंद, 10 से 20 जितने फोटो आप चाहते हो उतने फोटो सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक ना। तो ऐसे आपको प्रोसेस सेम कर लेना है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर लाइव दिखाऊंगा। और गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको स्टेटस रिलेटिव इस चैनल पर वीडियो मिलती है। तो अपन ने कुछ ऐसे फोटो सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक ना। तो गाइस आप इसके बाद करना, गाइस फोटो क्लिक करना, फोटो क्लिक करने के बाद जे पेन एंड जॉन पर क्लिक करना और आपको यहाँ से फोटो का जूमिंग कर लेना है, क्योंकि गाइस क्या होगा आपका एडजस्टमेंट फोटो नहीं होता है, तो इसमें ऐसे आपको हर एक फोटो को सिलेक्ट करके और ऐसे कर लेना है। मैं आपको बड़ास करके दिखा देता हूँ। तो गाइस अपना ये लास्ट फोटो और बचा है, इसको और अपन कर लेते हैं। तो आपको इसके बीच को ऑप्शन पे एडिट करके और आपको इस पर टिक कर देना, ताकि अपना पेन इस पर क्या होगा फोटो आपका अगर जूम आउट नहीं होगा, आप इस पर क्लिक कर दोगे, नहीं तो जैसे मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो गाइस ऐसे अपन रखोगे तो देख सकते हो अपना ये फोटो, जहाँ से मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा देख सकते हो यहाँ से अपना जूम आउट होगा अगर अपन उस पर क्लिक नहीं करेंगे। तो मैंने गाइस सभी फोटो को अब देख सकते हो, मैंने सभी फोटो को कर लिया, जैसे देख पा रहा हूँ ये फोटो अपना जूम आउट हो रहा है। तो अपन को क्या करना, अगर आप जूम आउट रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदर यहाँ से क्लिक करके और इस पर टिक कर दोगे तो ये अब जूम आउट नहीं होगा, देख सकते हो अब ये जूम आउट नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इस फोटो पे देख सकते हो अपने, पहले तो अपन क्या करेंगे गाइस, इसको 30 सेकंड का कर लेंगे, जो कि एक मिनट का आएगा अपना, ठीक ना। तो आपको क्या करना, पहले तो अपन फर्स्ट में जाते हैं, फर्स्ट में आने के बाद क्या करना गाइस, आपको इसको ओनली 30 सेकंड का ही बनाना है, क्योंकि गाइस इसमें कुछ अपन एक मिनट का चूका हो रहा है। तो फोटो को अपन फोटो पे क्लिक कर करके आपको यहाँ से फोटो छोटा कर लेना है। तो इससे क्या होगा गाइस, आपके फोटो जल्दी जल्दी निकलने लगेंगे, तो आपकी स्टेटस वीडियो भी अच्छी लगेगी, जो कि मैंने आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया, ठीक ना। तो ऐसे आपको थोड़ा क्लिक करना और इस पर ऐसे क्लिक करके और यहाँ से ऐसा कर देना, ठीक ना। तो मैं आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ फोटो क्लिक करके, और आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको खींच देना है फोटो, तो आपका फोटो का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाएगा, ताकि वो फोटो जल्दी निकलने लगेगा, ठीक ना। तो अपन सभी फोटो का छोटा कर लेते हैं, जैसे कि अपन देखते हो अब 44 सेकंड का अपने वीडियो हो गई। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, क्योंकि अपन स्टेटस वीडियो बनाते हैं तो ओनली 30 सेकंड का अपना वीडियो यूज़ होता है, ठीक ना। 35 सेकंड का कुछ रह गया है, इसके बाद और भी कर लेंगे इस, तो पहले अपन इतना रख लेंगे। थोड़ा आपको इसको खींच लेना है, क्योंकि इस फोटो पर क्लिक नहीं हो, तो आपको ऐसे स्केच कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इस फोटो पर क्लिक करना और ये क्लिप ले लगा है क्लिप कैप्चरिंग से, इस पर क्लिक करके और आपको गाइस नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद कुछ अपन को ऐसा इफेक्ट मिलेगा, ओवलाइज एनिमेशन, थोड़े ओवलाइज एनिमेशन पर क्लिक करने के, अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो गाइस क्या करना, इस होम का ऑप्शन दिख रहा है राइट का ऑप्शन की बगल में, तो आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहीं से अपन पूरे में इफेक्ट लगाएंगे, देख सकते हो ऐसे आपको इफेक्ट लगा लेना है, कुछ अपने ऐसे इफेक्ट लगेंगे। तो अपन सभी फोटो में आपको ऐसे इफेक्ट लगा लेना है, इसी में के एनिमेशन इस पर देख सकते हो, इस क्लिक करना, आपको नीचे जाना, नीचे जाने के बाद इस पर से बते बते टाइप के आपको एनिमेशन लगाना है ना, इसी से अपनी वीडियो अच्छी लगेगी। इसके बाद मैं सॉन्ग भी लगा के दिखाऊंगा, जो कि मैंने वो सॉन्ग यूज़ किया था गाइस, तो वो का हिसाब से आपको यूज़ करना है, कहाँ पे अपना फोटो लगाना है, कैसे लगाना है, तो मैं वो भी बताऊंगा, ठीक ना। तो इससे पहले मैं ये लगा के आपको पूरी वीडियो में दिखा देता हूँ, थोड़ा वीडियो स्किप करके। तो गाइस देख सकते हो मैंने सभी में ये इफेक्ट लगा लिया बड़ी आसान ट्रिक के साथ, तो आपको भी ऐसे ही लगा लेना, जो कि मैंने आपको फर्स्ट में दिखाया, ठीक ना। तो अपन ने सभी में इफेक्ट यूज़ कर लिए। अब क्या करना गाइस, जैसे देख सकते हो अपन 35 सेकंड का स्टेटस वीडियो हो रहा है, तो आपको क्या करना, फोटो क्लिक करना और आपको थोड़ा थोड़ा और इन फोटो को छोटा कर लेना, इससे क्या होगा गाइस आपके फोटो फास्ट निकलने लगेंगे, तो ये और भी अच्छी वीडियो लगने लगेगी, ठीक ना। देख सकते हो आप कौन सा बड़ा फोटो लग रहा है, जैसे ये फोटो दिख रहा है, तो आपको 31 सेकंड का बचा है, तो ऐसे आपको 30 सेकंड का कुल मिला 30 सेकंड
सेकंड का आपको इस स्टेटस को रख लेना है। तो देख सकते हो मैंने 28 सेकंड का कछु 27 सेकंड का कर लिया है इसको। हालांकि आप 30 का भी कर सकते हो, फोटो बढ़ा के कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। गाइस क्या करना, आपको लेयर पे जाना है और मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है। तो गाइस अब वो इफेक्ट लगा लेना है जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैं वो इफेक्ट लगा के आपको दिखा देता हूं। तो गाइस ये वाला आपको इफेक्ट चुन लेना है जो बड़ी आसान ट्रिक के साथ आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। तो आपको इतना क्लिक करके और आपको इतना जूमिंग कर लेना है। जूमिंग करने के बाद क्या करना गाइस, आपको फर्स्ट नंबर इसका साउंड बंद कर लेना है क्योंकि इसमें साउंड है और अपन लगाएंगे इसके फोटो के हिसाब से साउंड इसमें आधा लिखाने वाला जो कि सॉन्ग यूज़ करेंगे अपन, ठीक ना। तो आप देख सकते हो ऐसा कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको नीचे जाना है, ब्लेंडिंग का आपको ऑप्शन मिलेगा जो कि काइंड मास्टर, ठीक ना। अब नीचे जाने के बाद क्या मिलेगा, आपको एक स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या कर दोगे, इसका स्क्रीन कर दोगे तो इसका बैकग्राउंड ब्लैक हट जाएगा, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करेगा गाइस, इस पर थ्री डॉट पर जाने के बाद इसके ऊपर लिखा है एक डुप्लीकेट पर क्लिक करोगे तो इसका एक और लेयर बन जाएगा। तो आपको क्या करना गाइस, इसका डुप्लीकेट करके इसको थोड़ा स्किप करके आगे कर लेना, ताकि क्योंकि ये ओनली 8 सेकंड का है और अपन को इस पर लगाना है 30 सेकंड में, ठीक ना। तो इसलिए आपको इसका थोड़ा डुप्लीकेट के दो पार्ट करके और आपको लगाना पड़ेंगे, ठीक ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे ऐसे डुप्लीकेट कर करके और आपको लगा लेना है। बड़ी आसान ट्रिक के साथ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक ना। और गाइस आपको जैसे ही लगता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है गाइस, मुझे कमेंट भी कर सकते हो और मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देता हूँ जो कि कैसे क्या और भी प्रॉब्लम आया तो एडिट करना। अब इसके बाद क्या करना गाइस, आपको फिर से लेयर क्लिक करना, मीडिया ऑप्शन क्लिक करना है। मीडिया ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको ये ब्लैक स्क्रीन का सॉन्ग मिल जाएगा, तो आपको लगा लेना, ठीक ना। तो अब क्या करोगे, आपको इस पर स्प्लिट स्क्रीन क्लिक करने के बाद और आपका इसको फुल स्क्रीन कर देना। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर दो। ओके करने के बाद क्या करना गाइस, आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको फिर से मिलेगा एक और ब्लेंडिंग का ऑप्शन। ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से सेम प्रोसेस कर देना, स्क्रीन पे क्लिक कर देना। तो इसका क्या होगा, बैकग्राउंड हट जाएगा, देख सकते हो, ठीक ना। तो अपना ये सॉन्ग भी दिख रहा है। और तो अब मैं आपको फोटो आपका कहाँ पे लगाना है वो दिखा देता हूँ आपको चला के वीडियो, ठीक ना। गाइस आपका फोटो आपको लगाना है यहाँ पे, ठीक ना। तो आपका फोटो कैसे क्या करना है इसमें, तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो गाइस आपका फोटो लगा लेना है यहाँ पे, देख सकते हो ये मैंने मेरा फोटो लगा लिया। अब इसके बाद क्या करना गाइस, जैसे कि फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आपको इस स्प्लिट पेन एंड जोन पे क्लिक करके और आपको इसका जूमिंग कर देना है। तो आपका क्या होगा, इस फुल स्क्रीन पे आने लगा है, ठीक ना। तो गाइस देख ले रहे हैं, तो अब मैं आपको चला के दिखा देता हूँ वीडियो अपनी कैसी लग रही है यहाँ की, जिनका अपन थोड़ा देख लेते हैं स्किप करके। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो अपनी वीडियो यहाँ की अपन ने अपना फोटो लगा के एडिट कर लिया सॉन्ग के हिसाब से। इसे आपको यहाँ पे मेंटेन करके और आपको कर लेना है। अब इसके बाद क्या करना गाइस, मैं आपको वीडियो चला के पूरी दिखा देता हूँ अपनी वीडियो कुछ कैसी लग रही है, ठीक ना। तो देख सकते हो अपन ने, मैंने जैसा आपको प्रोसेस दिखाया था सेम वीडियो अपनी बन के कंप्लीट हो गई जो कि काइंड मास्टर्स, ठीक ना। और अगर गाइस जिसमें जैसे लगता है कोई प्रॉब्लम है तो गाइस मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आगे की वीडियो में सुधार कर सकूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस अगर इसमें बॉर्डर वगैरह लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो बड़ी आसान ट्रिक के साथ, तो वो तो मैंने नहीं बताया, लेकिन आप इसी वीडियो पर रख सकते हो और बॉर्डर भी लगा सकते हो। अदर मेरी और भी वीडियो है उसमें मैंने बॉर्डर लगाना भी सिखाया, तो गाइस उसको देख के यहाँ से बॉर्डर भी इस पर लगा सकते हो। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।